शुक्रवार को खरगोन जिले के कसरावत नगर में एसडीएम की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जेसीबी मशीन की सहायता से करीब 3 घंटे तक अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अन्य कई दुकानदारों को भी अतिक्रमण हटाने की समझाइश दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम व नगर परिषद प्रशासक संघ प्रिय सहित सीएमओ संजय रावल की उपस्थिति में कसरावत नगर के इंदौर खरगोन मुख्य मार्ग पर जेसीबी मशीन के सहायता से करीब 3 घंटे तक अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी के द्वारा दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को हटाया गया। सीएमओ संजय रावल ने बताया कि इंदौर खरगोन मुख्य नगर सहित मंडलेश्वर रोड पर कई दुकानदारों ने सड़क के किनारे अपनी दुकानों के बाहर टीन शेड लगा रखे थे। बार बार समझाइश देने के बाद भी दुकान मालिक अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। एसडीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। नगर परिषद की तरफ से अतिक्रमण मुहिम चलाई गई है या शिकायत भी की गई है और नगर पालिका की तरफ से की जा रही है? अभी विगत कुछ दिनों पूर्व सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जो माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में उसमें निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के तारतम्य में कसरावत शहर में आज नगर परिषद के सहयोग से, राजस्व की टीम के सहयोग से, पुलिस विभाग के सहयोग से जो सड़क किनारे के जो अतिक्रमण हैं, जिसमें से जो शेड आगे बढ़ाता है बढ़ाकर लगाए गए हैं, जो ठेले अव्यवस्थित रूप से लगते हैं, जो बस लगती हैं, जो अस्थायी अन्य अतिक्रमण जो लगाए गए हैं, उन सबको हटाने की कार्रवाई की गई है, ताकि अपना शहर स्वच्छ बन सके, सुरक्षित हो और एक यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सर, बाकी जगह और रह गए तो उस पर भी चलाई जाएगी? उसमें भी यह मुहिम लगातार चलाई जाएगी। इसमें नगर पालिका द्वारा टीम का गठन किया गया है और इसमें साप्ताहिक रूप से टीम भ्रमण कर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से करेगी। कुछ दुकानदारों का कहना था सर कि एक मौका देना था हटाने के लिए, अगर सूचना के समय पर पूर्व में जैसा कि आपने भी देखा होगा चूना लाइन भी डाली गई थी और पूर्व में हमारे द्वारा भी टीम के द्वारा भी समय समय पर भ्रमण कर जो एक परिधि में सामान सामग्री है या शेड है उन सबको रखने की चेतावनी और बार बार मुनादी कराई जाती है, परंतु ये अंतिम विकल्प के रूप में यह कार्यवाही मजबूरन करनी पड़ी है। इसमें आपके माध्यम से भविष्य में सभी नागरिकों से अपील है कि जो एक जो नियम है उसका पालन करके, जो रास्ते को बाधित ना करते हुए नियमानुसार अपने सामग्री का सामग्री रख कर नियमानुसार ही विक्रय करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।